कमागड़ी साहब, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा भाई साज फैमिली में। और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो अभी हमारे अर्शुवना जो है खेल रहे थे एंड स्कूल के कुछ गर्ल्स बाहर से जा रही थी तो उनको बाय बाय कर रहे थे सबको। और इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं अर्शु दिल्ली आके। हमारा दिल्ली में सेकंड फ्लोर है जो कि बंद रहता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से सिलन आ चुकी है इसके ऊपर। और पहले इसमें किराएदार थे लेकिन उन्होंने खाली कर दिया, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम से ये बंद पड़ा है। तो मैंने सोचा मैं ऊपर की थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गंदा पड़ा हुआ है, इसकी हमें पूरी सफाई करनी है, उसके बाद हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये सिलन की वजह से पूरी दीवार वगैरह ख़राब हो चुकी है यहाँ की, और ये बाथरूम भी बहुत गंदा पड़ा था एंड रूम्स वगैरह की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आप बैठ भी नहीं सकते वहाँ, मिट्टी मिट्टी पूरा ही। देखिए किचन भी बहुत गंदा हो रखा था। तो अभी आज हम इसकी सफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ आराम से रुक सकते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम है। एंड मेरी जो मामी सास है वो यहाँ हमारे इस फ्लैट में रहते हैं, तो उनके बच्चे वगैरह भी हैं और हम भी तीन चार लोग आ गए हैं, तो नीचे एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। कल तो हम लोग जैसे मतलब बेड पे और गद्दे वद्दे बिछा के सो गए थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ऊपर की थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ। तो ये सामान वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे हमारा, इसके बाद ये पूरा गंदा था तो हमने इसको क्लीन किया। मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि गंदा जो है कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है फ्लैट। और यहाँ पे अर्शु एंड परी खेल रहे थे क्योंकि इनको मिट्टी में विट्टी में बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोग नहाए नहीं थे, मैंने सोचा साफ़ सफाई करके उसके बाद ही नहा लेंगे, तो परी ने बोला मम्मा मुझे भी काम करना है। तो कुछ था नहीं इसके करने लायक, तो ये बाउल्स वगैरह रखे थे थोड़े, मैंने इसको बोला कि तो इनको वॉश कर दे। तो ये देखिए पूनम हमारी पूरी भूत बन चुकी है, एकदम इतनी मिट्टी थी मतलब एक एक किलो मिट्टी हमारे सर में घुस गई है। और आप देख सकते हैं इसके बालों में पूरे सफ़ेदी छा गई है मिट्टी के कारण, लेकिन झाड़ू इसने निकाला था, फिर पीछे से पोछा वगैरह मैंने किया था, तो अभी ये झाड़ू निकाली और ये पूरा डस्टबिन मिट्टी से भर गया था, इतनी मिट्टी थी यहाँ पे। तो अभी थोड़ी बहुत सफाई हमने कर दी है, किचन ही साफ़ हुआ है अभी, बाकी पूरे हॉल में झाड़ू वगैरह निकाल दिया है हमने। इसके बाद ये बॉटल्स जो है परी ने वॉश किए, और अभी देखिए हमारी भाई साहब और काम मांग रही है कि मम्मा और कुछ काम दो ना। और फाइनली 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब हमारी जो भाई साहब वगैरह हैं वो बड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, तो हमने उनको बोला कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद नहा लेना एंड उसके बाद खाना वाना खाएंगे। और ये मैं हूँ जो कि मैं भी पूरी गंदी हो चुकी हूँ, मिट्टी विट्टी में पूरे हमारे बाल वाल ख़राब हो गए थे, तो उसके बाद हमने हेड वॉश किए, सब नहाए धोए। और साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है घर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टेबल वगैरह, इतनी मिट्टी थी ना यहाँ पे जो मैंने पूरी क्लीन कर दी, और ये बालकनी की भी हालत आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। और घर साफ़ होने के बाद इतना ना अच्छा फील हो रहा था, मतलब मज़ा ही आ गया।
ये देखिए पूरी डस्ट वस्ट जो भी थी हमने, और ये फालतू का सामान जो रखा हुआ था ना वो हमने किचन में शिफ्ट कर दिया, ये किसी और का है तो वो ले जाएंगे बहुत जल्दी यहाँ से। और ये वॉशरूम भी हमने क्लीन कर दिया एकदम, बहुत मिट्टी थी यहाँ भी, वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा था तो वो भी हमने साफ़ कर दिया है। और ये बालकनी वगैरह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, दो रूम है ऊपर और एक किचन है तो वो हमने पूरी क्लीन कर दी। और ये जो सामान है आज रात हम यहीं सोने वाले हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है सोने की। एक ये कबर्ड रखा था जो लॉक है अभी क्योंकि किसी का सामान इसमें रखा हुआ था। और अर्शु को मैंने नहला दिया है, अर्शु नहा धो के सो गया है तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना लेती हूँ अर्शु को सुला कर। और ये देखिए ये जो सेकेंड रूम है हमारा वो है, सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे एंड मिरर वगैरह कुछ लगा हुआ है। और ये छोटू सा मंदिर है हमारा, ये हूँ मैं भी नहा ली हूँ आज, मैंने भी बाल धोए थे क्योंकि बालों में एक एक किलो मिट्टी चली गई थी हमारे, इसलिए मैंने भी बाल वगैरह वॉश किए। और जो हमारा बैग था वो नीचे रखा हुआ था तो उसको भी हम ऊपर ले आए हैं क्योंकि फिर ऊपर ही नहा लेंगे और ऊपर ही चेंज वेंज कर लेंगे कपड़े, तो इसलिए मैंने बैग को ऊपर रख दिया है। एंड उसके बाद शाम को 7 बजे हम लोग गए थे फ्राइडे मार्केट, क्योंकि जो मार्केट होते हैं ना दिल्ली में मोस्टली रात को 7 बजे के बाद ही लगता है, तो इसीलिए हम लोग अभी फ्राइडे मार्केट जा रहे हैं। 7 बज रहे हैं रात के और हम लोग मार्केट जा रहे हैं क्योंकि दिन में कोई भी मार्केट नहीं ओपन होता है दिल्ली में। जो मार्केट लगते हैं ना जैसे संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार, ये सब रात को ही लगते हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं और मार्केट में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या मिलता है हमें और क्या क्या हम लेते हैं, वो सब आपको जयपुर जाने के बाद देखने को मिलेगा। एंड ये देखिए इन मैडमों को आते ही टूट पड़ी है बाज़ार में, मतलब एक भी जो शॉप है उन्होंने नहीं छोड़ी थी। ये जो संडे मंडे बाज़ार होता है ना ये इस टाइप से लगता है और यहाँ पे बहुत ही कम रेट में आपको मतलब आइटम्स जो भी चाहिए होता है वो मिल जाती है। जो भी कुर्तीज़ लगी हुई है 100 रुपीज़ की कुर्ती थी और बहुत अच्छी, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कुछ कुर्तीज़ ख़राब भी होती है, उसके लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आप अच्छे से देखते हैं तो। और यहाँ पे मैं परी के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज़ देख रही थी, क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड वगैरह, ये भी बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये छोटे छोटे से बैग थे जो कि बहुत ही सुंदर थे, तो मैंने सोचा कि एक दो ले लेते हैं क्योंकि कभी जाना ना होता है तो एक दो ड्रेसेस वगैरह डाल के हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हमने इतना सारा सामान ले लिया है तो इसलिए मैंने सोचा इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम एक ज्वेलरी की शॉप पे आए हैं जो कि जहाँ की बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी। ये देखिए बहुत ही सुंदर ज्वेलरी इनके पास थी, लेकिन मैंने लिया तो कुछ नहीं था, लेकिन देख रही थी मैं अगर कुछ पसंद आएगा तो हम ले लेंगे, लेकिन जिस टाइप का आइटम इनके पास था मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग वगैरह थी, इयररिंग्स लॉन्ग थे एंड रिंग्स वगैरह थी जो अभी मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने नहीं ली। और इसके बाद अगेन हम हेयर एक्सेसरीज पे आ गए हैं क्योंकि मुझे परी के लिए बहुत सारे हेयर बैंड्स देखने थे जो कि जयपुर में इतनी वैरायटी नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ पे जो हेयर बैंड्स वगैरह हम थोड़े से ज़्यादा ले लेंगे।
आईडी मार्केट है वो रजौरी में लगता है, तो यहाँ पे आपको ड्रेसेस, बच्चों की ड्रेसेस, बड़ों की ड्रेसेस, गर्ल्स के लिए बहुत से आइटम मिल जाएंगे, जैसे शूज़ वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, बहुत ही अच्छी टी शर्ट्स वगैरह, एंड और भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप एक बार ये जो मार्केट है इसमें ज़रूर विजिट करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं 3-4 जगह घूम ली हूँ दिल्ली आने के बाद, लेकिन जो सबसे बेस्ट था मुझे यही लगा। और कल भी हम एक बहुत ही अच्छे मार्केट में जाने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पे कप्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, तो कल भी हम एक बहुत अच्छे मार्केट में जाने वाले हैं, तो उसको, उस व्लॉग को देखना मत भूलना आप। बहुत ही अच्छा मार्केट है जहाँ हम कल जा रहे हैं। और मैं अभी अपने जेठ जी के घर आ गई हूँ, क्योंकि भाभी जी ने मुझे बुलाया था, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। और पूर्णा में रिंकू पैसा हमारी वहीं रह गई है घर पे, और मैं और अर्शु एंड परी हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ का जो मार्केट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही खतरनाक वाला मार्केट है वो भी। तो इस तरह से हमने यहाँ से भी बहुत सारे सामान लिया है, क्योंकि मुझे किसी को गिफ्ट वगैरह भी करने थे, तो उस हिसाब से भी मैंने कपड़े ले लिए हैं बहुत सारे। और भी बहुत कुछ हमने लिया है, जो कि मैं आपको जयपुर जाके दिखाऊंगी। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो ये है सोनू भाई साहब, ये बोले कि भाभी साहब को चिकन रोल एंड वेज रोल खिलाते हैं आपको, यहाँ पे बहुत ही अच्छे वेज रोल एंड चिकन रोल मिलते हैं। तो चिकन रोल तो हमने नहीं खाया, लेकिन हम वेज रोल खाएंगे, क्योंकि सोनू भाई साहब बोलने की फेमस है यहाँ का, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो यहाँ से हम लेंगे वेज रोल, उसके बाद हम खाते ही फटाफट जाएंगे घर, क्योंकि आज हम अर्शु को नहीं लाए हैं, अर्शु हमें शॉपिंग नहीं करने देता, इस वजह से हम उसको नहीं लाए हैं। और मैं और सोनू वैसा एंड रिंकू वैसा एंड पूनम, हम चार लोग आए हैं फटाफट। और ये 1 किलो अंगूर लिए थे हमने, जो कि हमारे मेड में खड़े खड़े ही चटका गए हैं पूरे। तो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए अंगूर की हालत, 1 किलो लिए थे पूरे गटक गए हैं खड़े खड़े ही मेड में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।